So we'll start binomial theorem today. देखो सबसे पहले तो binomial theorem के पहले हम लोग जो expansions करते हैं identities को use करके उसको analyze करते हैं पहले, और उसको analyze करने के बाद उसके बाद देखेंगे कैसे हम लोग generalize करके binomial theorem तक पहुंचते हैं. सो पहले binomial theorem for positive integral indices. So let us take a look at the following identities done earlier. A to the power b, a plus b raised to the power 0 करेंगे तो ये 1 आ जाता है. a plus b raised to the power 1, a plus b होगा, फिर a plus b का square, a square plus 2ab plus b square होता है. a plus b का cube लिखोगे तो a cube plus 3a square b, 3ab square plus b cube होता है. a plus b raised to the power 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, a plus b का cube, और उसको a plus b से मल्टीप्लाई कर दे रहे. तो इसको करने से हमें a 4, 4a cube b, 6a square b square, 4ab cube और b 4, ये सारा हमने रिप्रेजेंट कर लिया. अब इन सारे एक्सपेंशन में कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं. पहला, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर देन द इंडेक्स. मतलब यहाँ पे इंडेक्स मतलब पावर जीरो है तो कितने टर्म्स हैं, वन टर्म्स है. यहाँ पावर वन है तो कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म्स हो गए. पावर टू है तो कितने टर्म्स हो गए, तीन टर्म्स हो गए. पावर थ्री है तो चार टर्म्स हैं. पावर फोर है तो यहाँ पे पांच टर्म्स हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू वन मोर देन द इंडेक्स. क्लियर है. दूसरा ऑब्जर्वेशन, पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय वन, वेयर एज पावर्स ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी बी इंक्रीजेस बाय वन इन द सक्सेसिव टर्म्स. यहां पे देखो, इसमें देखो, अगर पहले यहां पे ए का पावर जी, ए का पावर वन है, यहाँ पे ए का पावर जीरो है, यहाँ बी का पावर वन जीरो है, यहाँ बी का पावर वन है. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वन बी जीरो प्लस ए जीरो बी वन. यहाँ पे देखोगे इसमें ए का पावर टू, यहाँ ए का पावर वन, यहाँ ए का पावर जीरो, टू वन जीरो, और बी का पावर जीरो वन टू. तो बी का पावर जो सेकेंड टर्म है उसका पावर इंक्रीज करता जाता है, जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर डिक्रीज करता जाता है. सो पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय वन, वेयर इज पावर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी बी इंक्रीजेस बाय वन. तीसरा ऑब्जर्वेशन है, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज द सेम एंड इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी. यहाँ पे ए का जो हर टर्म है, इस वाले के लिए बात करें, यहाँ पे ए स्क्वायर बी जीरो, ए वन बी वन, ए जीरो बी स्क्वायर. अब इसमें ए और बी का पावर को ऐड करोगे टू मिलेगा, यहाँ पे भी ऐड करके टू मिलेगा, यहाँ पे भी टू मिलेगा, और वो टू किसके बराबर है, ए प्लस बी का जो पावर है उसके बराबर. यहाँ पे ए और बी के पावर को ऐड करोगे थ्री, यहाँ टू प्लस वन थ्री, वन प्लस टू थ्री, और ये भी थ्री, और ये इसके बराबर है, थ्री के बराबर. यहाँ पे टोटल पावर जो फोर है, यहाँ पे फोर और बी का पावर जीरो तो फोर हो गया, थ्री प्लस वन फोर हो गया, टू प्लस टू भी फोर है, वन प्लस थ्री फोर है, और जीरो प्लस फोर भी फोर हो गया. तो टोटल जो पावर होता है उसके बराबर होता है. ए और बी के पावर को अगर हम ऐड कर देंगे तो जो टोटल का जो पावर है उसके बराबर आ जाएगा, और सब में इक्वल ही है. ये ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर है? हाँ सर. Now arrange the coefficient of these expansions as follows. तो जैसे a plus b raised to the power zero था, तो उसके coefficient को arrange करेंगे तो यहाँ पे one आ जाएगा. और अगर index one था तो a plus b था, यहाँ पे basically one था तो उसका जो coefficient है one ही है. a plus b, a और b दोनों का coefficient one one हो गया. अब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इस ए स्क्वायर का कफिशियंट वन है, ये टू है और वन है, उसको अरेंज कर दोगे तो कफिशियंट वन टू वन हो गया. क्यूब वाले में ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे तुम देखोगे वन थ्री थ्री और वन, ये इनका कफिशियंट हो गया.
उसी तरह ए टू द पावर फोर वाले में तुम चेक करोगे 14641 ऐसे आता है काफी सीन। तो बेसिकली ये क्या है, ये पास्कल्स ट्राइंगल है। पास्कल्स ट्राइंगल कैसे बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे मान लिया जीरो, तो जीरो प्लस जहां पे कुछ नहीं है उसको जीरो मान लेते हैं, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। यहाँ पे भी जीरो मान लेंगे तो जीरो प्लस वन वन हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे, तो ये जीरो प्लस वन वन, ये जो ट्राइंगल इधर बनाएंगे वन प्लस वन टू हो जाएगा, और यहाँ पे ट्राइंगल जो बनाएंगे जीरो प्लस वन वन हो गया। फिर इधर जो ट्राइंगल बनाते हैं जो पॉइंट नहीं है उसको जीरो ले लिया, तो वन थ्री थ्री और वन। उसी तरह इधर ट्राइंगल बनाया जो, तो ये बेसिकली पास्कल्स ट्राइंगल है, ठीक है। जहां पे हम लोग आगे भी अगर हमें बनाना है, मान लो इंडेक्स फाइव लिखना है, तो यहाँ जीरो प्लस वन हो जाएगा वन, वन प्लस फोर फाइव लिख लेंगे, फोर प्लस सिक्स टेन लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ सिक्स प्लस फोर टेन फाइव और फिर से वन। तो ये कफिशियंट हो गया। मतलब अगर हम लोग को ए प्लस बी रेस टू द पावर फाइव लिखना है तो हम पास्कल ट्राइंगल की मदद से लिख सकते हैं। हम लोग कफिशियंट क्या रखेंगे, वन रखेंगे पहला, वन इंटू कह रहे हैं ए का पावर घटता जाएगा और बी का पावर बढ़ता जाएगा, पहले टर्म में फाइव और बी का पावर जीरो। सेकेंड वाले का कफिशियंट क्या है, फाइव है, तो फाइव इंटू ए का पावर फोर हो जाएगा, बी का पावर वन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड टर्म में 10 इंटू ए का पावर 3 बी का पावर स्क्वायर, फिर से 10 इंटू ए का पावर 2 और बी का पावर 3 हो गया, और उसके बाद 5 इंटू ए का पावर 1 बी का पावर 4 और 1 इंटू ए का पावर 0 बी का पावर 5। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, ए 5 प्लस 5 ए 4 बी प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी 4 प्लस बी 5। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, किसका, ए प्लस बी रेस टू द पावर 5। सबको समझ में आया पास्कल्स ट्राइंगल से कैसे हम लोग मदद से कैसे हम ए प्लस बी रेस टू द पावर 5 निकाल सकते हैं? यस सर। सभी बच्चों को जैसे yes, एग्जाम में तुमको बनाने नहीं आएगा, बट एक चीज है, अगर तुम ये चीज नहीं समझोगे तो फिर उसका डेप्थ नहीं समझ पाओगे सब्जेक्ट का। तो इसीलिए हर चीज को समझना जरूरी है, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, कहाँ से बाइनोमियल थ्योरम आया, किस चीज से मतलब हम लोग डिराइव किए। बेसिकली हम लोग के पास पहले तक तो जो छोटे क्लास में हम लोग ये आइडेंटिटीज ही पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे आइडेंटिटीज हमने रटे थे, तो हम लोग को रटने की जरूरत ही नहीं थी हमें, अगर ये पता रहता पास्कल्स ट्राइंगल। तो ये तो छोटे क्लास में ही पढ़ा देना चाहिए सबको पास्कल्स ट्राइंगल, जिससे याद ही ना करना पड़े। बट हमारा सिस्टम बहुत अजीब है, पहले रटवाते हैं और बाद में बताते हैं कि भाई राज करने की जरूरत नहीं थी, ये तो तरीका है इसको करने का। नहीं है जी माधव? हाँ सर, उल्टा चल रहे हम लोग। कोई बात नहीं, तो ये तुमको समझ में आ गया सबको किस तरह से लिखते हैं। तो अब देखो, अब तुम बोलोगे कि सर ये चीज था ही तो हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा बाइनोमियल थ्योरम का। अब मैं बोल दूं अगर तुम्हें निकालने के लिए, भाई मुझे a प्लस बी रेज टू द पावर 20 करके दिखाओ, तो तुम पहले क्या करोगे, 20 तक का ये पास्कल्स ट्राइंगल पहले एक पेज में बनाओगे और उसके बाद a प्लस बी रेज टू द पावर 20 लिखना शुरू करोगे। तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट? सो मैथमेटिशियंस ने एक डिराइव किया, एक फॉर्मूला लेके आए जिससे कि हम लोग कफिशियंट्स को डायरेक्टली निकाल सकते थे, और वो जो कफिशियंट को डायरेक्टली लिखने वाले को हम लोग बाइनोमियल कफिशियंट्स कहते हैं, वो जो कफिशियंट्स है। और बाइनोमियल कफिशियंट है क्या एक्चुअली, वो जो कॉम्बिनेशन में जो एनसीआर वाला चीज पढ़ा था वही बाइनोमियल कफिशियंट आ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो चलते हैं पहले आगे। अब इसके पहले तो पास्कल्स ट्राइंगल, द स्ट्रक्चर गिवन इन फिगर 8.2 जो हम लोग पीछे देखे, लुक्स लाइक ए ट्राइंगल विथ वन एट द टॉप वर्टेक्स एंड रनिंग डाउन टू द टू स्लैंटिंग साइड्स। ये बेसिकली अगर देखो तो ये क्या है, कुछ नहीं बस एक ट्राइंगल के शेप में है ना, वन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट और बाकी ये ट्राइंगल है।
तो इसको हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल कह रहे हैं. नाउ दिस एरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल. इट इज ऑल्सो नोन एज मेरू प्रास्त्रा बाय पिंगला. नाउ expansions for the higher powers of binomial are also possible by Pascal's triangle. ये raise to the power 5 वाला हम लोग करके बताएं तुमको. यहाँ पे ये क्या कर रहा है, a और b के जगह कुछ और values ले रहा है. इसको करके देखते हैं कैसे लिखेंगे. तो Pascal's triangle में हमें पता है भाई 1 5 10 10 5 1 ये हमारा coefficient आएगा. तो अब हम लोग 2x plus 3y raised to the power 5 कर रहे हैं और same properties use करेंगे. मतलब पहला coefficient 1 है, 2x का power 5 होगा, 3y का power 0 होगा. धीरे धीरे 2x का power reduce करेंगे और 3y का power बढ़ाएंगे. तो 2x raised to the power 4, 3y raised to the power 1. उसके बाद 10, 2x raised to the power 3, 3y raised to the power 2 plus 10, 2x raised to the power 2, 3y raised to the power 3, 5, 2x raised to the power 1, 3y raised to the power 4 plus 1 into 2x raised to the power 0, 3y raised to the power 5. सारे terms बता चल गए. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है, तो 32x5 और ये एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 ही हो जाएगा. प्लस ऑफ ये इसको करते हैं 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 16 हो गया इंटू 3x4y प्लस 10 इंटू 2 क्यूब मतलब 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू x क्यूब y स्क्वायर हो गया प्लस 10 इंटू 4 इंटू 27 x स्क्वायर y क्यूब हो जाएगा प्लस ऑफ 5 इंटू 2 इंटू 81 एक्स वाई 4 प्लस 243 y रेस टू द पावर 5 हो गया. अब इनको सॉल्व कर लो. तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. तो दिस इज 32x रेस टू द पावर 5 80 इंटू 3 240x4y प्लस 72 इंटू 10 720x क्यूब y स्क्वायर हो जाएगा और 1080x स्क्वायर y क्यूब हो जाएगा एंड 810 एक्स वाई 4 प्लस 243y5 ये हमारा आंसर होगा. तो ये बेसिकली हम लोगों ने ये पास्कल्स ट्रायंगल को यूज करते हुए एक्सपेंशन किया है. क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? यस सर. लिखा करो, तुम लोग लिखते विखते नहीं हो. लिख लिया. तुम गधा बनता है बता रहे हैं तुमको ना. होशियार बनना है तो लिखा करो ज्यादा. जितना ज्यादा लिखोगे कॉपी जितना लिखा हुआ रहेगा उतना ज्यादा होशियार बच्चा बनना. आगे बढ़े नेक्स्ट लाइन चले स्लाइड पे. लिख लिया सबने? यस. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y रेज टू द पावर 12 वी आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गेट अ रो फॉर इंडेक्स 12. मतलब ब्लेज पास्कल वाले इससे हम चलेंगे अगर पास्कल ट्रायंगल तो 12 तक का ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद स्लाइड मतलब हम लोग निकालेंगे तो दैट इज स्लाइटली लेंथी प्रोसेस. तो इसको हम लोग फिर यूज नहीं कर सकते हैं जब ज्यादा इंडिसेस का वैल्यू होगा. द प्रोसेस एज यू ऑब्जर्व विल बिकम मोर डिफिकल्ट. सो इफ वी नीड द एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग स्टिल लार्जर पावर्स सो वी डज ट्राई टू फाइंड अ रूल दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल for any powers without writing all the rows of the Pascal's triangle. So that come before the row of the desired index. For this, we make use of the concept of combination studied earlier to rewrite the number of Pascal's triangle. तो यहाँ जो one था ना उसको 0C0 से replace कर सकते हैं. यहाँ जो one था 1C0, 1C1,
2c0, 2c1, 2c2, तो ये सब को हम लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, तो यहाँ पे देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो सब पास्कल्स ट्राइंगल में जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे उनके बराबर ही आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कहा कि अगर हमारे पास ए प्लस बी रेज टू द पावर एन है, तो यहाँ पे जो कफिशियंट्स हैं वो बाइनोमियल कफिशियंट्स के हिसाब से चलेंगे। मतलब पहला कफिशियंट एन सी जीरो हो जाएगा, दूसरा कफिशियंट एन सी वन, फिर एन सी टू, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और अगर एन टर्म्स हैं तो एन प्लस वन एक्सपेंशन में टर्म्स होंगे, इसीलिए हम लोग जीरो से स्टार्ट करते एन सी एन तक पहुंचते हैं, तो इससे हम लोग को एन प्लस वन टर्म मिल जाएगा। उसके अलावा हमने क्या सीखा था कि भाई ए का पावर कम होता जाएगा, बी का पावर बढ़ता जाएगा। मतलब पहला टर्म है एन सी जीरो, ए का पावर एन, बी का पावर जीरो, बाद में लिखेंगे तो एन सी वन लिखेंगे, राइट, और ए का पावर एन माइनस वन हो जाएगा, बी का पावर वन हो जाएगा। सेकेंड टर्म लिखेंगे एन सी टू, ए का पावर एन माइनस टू, बी का पावर स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में जाएंगे तो एन सी एन लिखेंगे, ए का पावर जीरो, बी का पावर एन। तो अगर हमें जनरल टर्म निकालना है ना, टी आर प्लस वनथ टर्म, जनरल टर्म जो है टी आर प्लस वनथ टर्म होता है, इसको हम लोग लिखते हैं एन सी आर, ए रेज टू द पावर एन माइनस आर, बी रेज टू द पावर आर, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म हो गया किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जनरल टर्म आर प्लस वनथ टर्म। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। नाउ ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न वी कैन नाउ राइट, मान लो तुमको अब ए प्लस बी रेज टू द पावर सेवन का लिखना है, बहुत ही सिंपल, हम लोग सेवन सी जीरो से लेके सेवन सी सेवन तक पहुंच जाएंगे, ये सारे कफिशियंट हो गए हर टर्म के। और अगर हमें ए प्लस बी रेज टू द पावर सेवन लिखना है, तो सिंपली सेवन सी जीरो ए सेवन प्लस सेवन सी वन ए सेवन बी ए सिक्स बी वन प्लस सेवन सी टू ए फाइव बी टू प्लस सेवन सी थ्री ए फोर बी थ्री सेवन सी फोर ए थ्री बी फोर सेवन सी फाइव ए टू बी फाइव सेवन सी सिक्स ए वन बी सिक्स एंड सेवन सी सेवन ए जीरो बी सेवन। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? सो एन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल टू एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स से एन कैन नाउ बी विजुअलाइज्ड यूजिंग दीज ऑब्जर्वेशन। वी आर नाउ इन पोजिशन टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल टू एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। उस केस में ये जो हमारा जनरल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है, a प्लस बी रेज टू द पावर n जो है, दैट इज एन सी जीरो ए एन, एन सी वन ए एन माइनस वन बी एन, एन सी टू ए एन माइनस टू बी स्क्वायर। तो देखो a का पावर एक एक से कम होता जा रहा है, n के बाद n माइनस वन, फिर n माइनस टू, उसके बाद इस तरह n माइनस थ्री, और ऐसे n माइनस वन, और बाद में जीरो, राइट, वन और उसके बाद जीरो हो गया। b का पावर बढ़ता जा रहा है, जीरो से वन हुआ, फिर वन के बाद स्क्वायर हुआ, स्क्वायर के बाद क्यूब, और ऐसे बी एन माइनस वन, बाद में बी एन हो गया, ठीक है। तो बी का पावर बढ़ रहा है, ए का पावर घट रहा है, दोनों का पावर किसी भी टाइम पे एन माइनस वन और बी का पावर वन ऐड करोगे तो हमेशा एन ही मिलेगा, एन माइनस टू प्लस टू, एन माइनस थ्री प्लस थ्री, उसी तरह वन और एन माइनस वन और जीरो और एन, सबका सम हमेशा एन ही मिलेगा। Now we illustrate this theorem by expanding x plus 2 raised to the power 6. अगर हम लोग इस पे example देखें x plus 2 raised to the power 6, हमने बोला पहला जो expansion का coefficient 6c0, x का power maximum 2 का power 0 plus
6c1 एक्स का पावर एक कम कर रहे हैं, टू का पावर दूसरे वाले का पावर जो b है हमारा, तो इसका पावर एक से बढ़ाते जाएंगे, 6c2 एक्स 4 टू स्क्वायर, 6c3 एक्स 3 टू क्यूब, 6c4 एक्स 2 टू 4, 6c5 एक्स 1 टू 5, 6c6 एंड देन एक्स 0 टू 6। अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 6c0 1 होता है तो x टू द पावर 6 प्लस 6c1 6 होता है, 6 × 2 = 12, सो ये 12x5 हो जाएगा, प्लस ऑफ 6c2 अगर हमें निकालना है 6 × 5/2 हो जाएगा, और × 4 x^4 प्लस 6c3 यहाँ पे 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1, सो × 8x³। 6c4 हमारा 6 × 5 / 2 × 16 × x², 6c5 6 हो जाएगा, 6 × 32 × x प्लस 6c6 1 हो जाएगा, 2 to the power 6 मतलब 64। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x^6 प्लस 12x5 प्लस 30 × 4 = 120/2 = 60x4 प्लस यहाँ पे 3 × 2 = 6 कैंसिल कर दो, 20 × 8 = 160 हो गया, 160x³ प्लस 15 × 16 = 240 हो गया, 240x² प्लस 32 × 6 = 192x प्लस ऑफ 64। ये हमारा पूरा एक्सपेंशन हो गया इसका, x + 2 raised to the power 6। क्लियर है सभी को? यस सर। एक ही बच्चा बोलता बाकी को नहीं क्लियर होता है क्या, या बाकी अपना एनर्जी कंजर्व करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं अभी हम लोग, है भाई कंजर्वेशन वाले सब, नोएडा में ज्यादा चल रहा है क्या कंजर्वेशन? अरे जवाब दो घोचू सर। सर क्लियर है। क्लियर है तो जवाब दो ना भाई। ऑब्जर्वेशन हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट का पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, नोटेशन जो हम लोग इसको जो लिख रहे थे अभी, उसका नोटेशन अगर हम लोग समेशन साइन से दें तो k = 0 to n एन सी के a^n-k और b^k, राइट? तो बेसिकली जो भी यहाँ पे k का वैल्यू जलता जलेगा, तुम इसमें वैल्यूज पुट करते जाओगे और उसको एक्सपेंड करते जाओगे। So this stands for NC0, AN, B0. देखो K का वैल्यू 1 डालोगे तो NC1, AN minus 1, B1 हो गया। K का वैल्यू 2 डालोगे तो NC2, AN minus 2, B2, इस तरह से चलता चलेगा। So theorem, this can be written as जो पीछे वाला theorem था उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a + b^n is summation of k = 0 to n NCK, AN minus K, BK। जो ऑब्जर्वेशन सब है उसको एक बार यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एनसीआर अकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट, देयर आर n प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b^n, जितना पावर होता है इससे एक ज्यादा टर्म होता है, 1 more than the index, चौथा है इन द सक्सेसिव टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स ऑफ a गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी, सो इन द सक्सेसिव टर्म्स जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस के जो टर्म्स हैं उन सब में इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम द इंडेक्स ऑफ बी इंक्रीजेस बाय यूनिटी,
फिफ्थ वाला है इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू द पावर एन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज एन प्लस जीरो इन द फर्स्ट टर्म एंड एन इन द सेकेंड टर्म. तो तुम देखो कि सम ऑफ द जीरो सम ऑफ द इंडिसेस इज ऑलवेज इक्वल टू एन दैट इज इन द लास्ट टर्म. जो टोटल एक्सपेंशन का जो दिया हुआ था उसी के बराबर आता है. क्लियर है? कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए. पहला स्पेशल केसेस क्या है? ए प्लस बी इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू द पावर एन. ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू माइनस वन अगर ले लो तो यहाँ पे x माइनस वाई रेज टू द पावर एन अगर करोगे तो जो पहला टर्म एन सी जीरो एक्स एन है, दूसरा टर्म में एक्स एन माइनस वन और रेज टू द पावर. अब ये b क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू माइनस वाई ले रहे हैं तो जो भी माइनस वाई का ऑड पावर्स होगा वहां पे वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो मतलब पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ऐसे ही ऑल्टरनेट वे में चलेगा. तो इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा ना समेशन के फॉर्म में, तो समेशन ऑफ एन सी आर माइनस वन रेज टू द पावर आर ए एन माइनस आर बी रेज टू द पावर आर, ऐसे लिखते. तो देखो ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव वो इस कोफिशिएंट के इस टर्म पे डिपेंड करेगा, है ना. तो जीरो है तो माइनस वन वाई रेज टू द पावर जीरो पॉजिटिव हो गया, वन आएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, टू आएगा तो माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव, इस तरह से चल. क्लियर है सभी को? जनरल टर्म निकालने का तरीका क्लियर है? आर यस सर. यस सर. सर उसी तरह दूसरा स्पेशल केस बोल रहा है भाई कि अगर वन ए का वैल्यू वन ले लो और बी का एक्स ले लो तो ये वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन को हम लोग अगर लिखेंगे तो एन सी जीरो एन सी वन एक्स. देखो वन का तो पावर वन ही होता है तो उसको तो भूल ही जाओ, बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा और एक्स का पावर यहाँ जीरो से स्टार्ट करके एन तक चलेंगे तो एक्स का पावर एक एक में बढ़ता जा रहा है. अब इन्होंने क्या किया, वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन ये है. अब आप क्या करो इसमें, अगर एक्स का वैल्यू वन ले लो, मतलब वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन था, एक्स का वैल्यू अगर वन ले लोगे तो वन प्लस वन रेज टू द पावर एन क्या हो जाएगा, एन सी जीरो एन सी वन एन सी एन ये सारा सब चीज ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वन प्लस वन रेज टू द पावर एन टू रेज टू द पावर एन. तो मतलब सम ऑफ एन बाइनोमियल कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम को अगर हम ऐड करेंगे एन सी एन माइनस वन से लेके एन सी एन तक तो ये हमको क्या वैल्यू देगा, टू रेज टू द पावर एन देगा. तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स व्हेन एडेड टुगेदर गिव्स यू अ वैल्यू इक्वल टू टू रेज टू द पावर एन. इज इट क्लियर? यस सर. उसके अलावा ए का वैल्यू वन ले लो, बी का वैल्यू माइनस एक्स ले लो तो वन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन करोगे तो यहाँ पे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा. मतलब जो पहला वाला जो ऑड वाला टर्म है वो सब नेगेटिव हो जाएगा, इवन वाला पॉजिटिव रहेगा. तो एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब, ऐसे चलता रहेगा. अब इसी में अगर एक्स का वैल्यू वन डाल दोगे तो एक्स का वैल्यू वन डालोगे तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया. तो मतलब एल एच एस पे जीरो आ गया, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री ऐसे चल रहा है ऑल्टरनेट. तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलाएंगे तो उन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा. ठीक है बच्चों? तो हम लोगों ने दो वैल्यूज देखे अभी कि भाई एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे एन सी एन तक के टर्म को ऐड कर देंगे तो टू टू द पावर एन मिल गया. एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री ऐसे चलता रहेगा
प्लस ऑफ माइनस वन रेस टू द पावर एन एन सी एन, तो ये जीरो हो जाएगा। ये दो चीज हमने देखा, क्लियर है बच्चों? आगे चले, मूव करें आगे। यस सर। चलो आज का थ्योरी इतना है, अब आप क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, अब हम लोग को यहाँ बोला है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय एक्स रेज टू द पावर फोर, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, फोर ले लेंगे, राइट? तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा पहला टर्म होगा फोर सी जीरो, है ना, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर फोर थ्री बाय एक्स रेज टू द पावर जीरो। सेकेंड टर्म हो जाएगा फोर सी वन, एक एक करके पावर, ये हो गया तुम्हारा ए, ये पूरा टर्म ए हो गया और ये पूरा टर्म बी हो गया, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए का पावर घटता जाएगा और बी का पावर बढ़ता जाएगा, यही हम लोगों ने सीखा है, और कोफिशिएंट चलता जाएगा, फोर सी जीरो से फोर सी वन प्लस फोर सी टू आ गया, राइमिंग हो गया एकदम बिल्कुल। एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर टू थ्री बाय एक्स रेज टू द पावर टू, नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर सी थ्री एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर वन थ्री बाय एक्स रेज टू द पावर थ्री, लास्ट टर्म पे पहुंचते हैं फोर सी फोर एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर जीरो थ्री बाय एक्स रेज टू द पावर, सो थ्री बाय एक्स रेज टू द पावर। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 4c1 हमको पता है 1 होता है, x square raised to the power 4, x raised to the power 8 हो जाएगा, पावर का पावर पे मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 by x raised to the power 0, 1 हो गया, प्लस 4c1 का 4, x to the power 6, 3 by x, प्लस 4c2 मतलब 4 into 3 by 2, into x to the power 4, into 9 by x square, 4c3 4 into x square into 27 by x cube plus 4c4 का 1 into 1 into 81 by x to the power 4, so this is x to the power 8 plus, इसको काटो, x to the power 5, तो मतलब 12 x raised to the power 5, 12 by 2 करोगे, ये 6 हो जाएगा, 6 9s are 54, x square हो गया, ये इसको कट करेंगे, यहाँ x square हो जाएगा, 27 4s are 108 हो गया, हंड्रेड एंड एट बाय एक्स हो गया, प्लस 81 बाय एक्स फोर, तो इसका एक्स एट 12 एक्स फाइव 54 एक्स स्क्वायर 108 बाय एक्स प्लस 81 बाय एक्स फोर, ये इसका एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्यूट 98 रेज टू द पावर 5, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 98 को 100 माइनस 2 लिख लेते हैं, रेज टू द पावर 5, इसके बाद हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें लगा देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये 5c0 100 raised to the power 5 into minus 2 raised to the power 0 plus 5c1 100 raised to the power 4 minus 2 raised to the power 1 5c2 100 raised to the power 3 minus 2 ka square 5c3 100 square माइनस टू क्यूब फाइव सी फोर हंड्रेड रेस टू द पावर वन माइनस टू रेस टू द पावर फोर फाइव सी फाइव
100 raised to the power 0 minus 2 raised to the power 5. So this is equal to 5c 0 hota hai 1. 100 raised to the power 5. So total 10 zeros ho jayenge. Or minus 2 raised to the power 0, ye bhi 1 ho gaya. Plus 5c 1, 5 into minus 2, minus 10 ho gaya. So minus of 100 raised to the power 4, 8 zeros or 1 or 0, 9 zeros. Plus 5c2, 5 into 3 upon 2. Okay. 100 cube means 10 pe 6 zeros into 4 minus of 5c3, 5 into 4, sorry. 5c2, 5 into 4 by 2. यहाँ पे भी 5c3, 5 into 4 by 2. 100 square मतलब into minus 8 है. तो minus पहले ही बाहर ले लिया 8 हो. Plus 5c4 मतलब 5 into 100 into 16 minus 32 into minus 32. अब इन सबको सॉल्व करना है. तो इसको कट कर लेंगे. 10 और ये 3 3 6 7 माइनस ऑफ 20 बाय 2 10 जो पहले ऐड करने वाले हैं उन सबको ऐड कर लें अगर तो यहाँ पे एट आ जाएगा. ठीक है, तो इनको हमने ऐड कर लिया पहले जो पॉजिटिव वाले थे और इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, इनको भी इस आपस में ऐड कर लिया माइनस वालों को. तो दिस इज इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज वी हैव 90392 207968. ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर. यस लिख लिया सबने? यस सर. अब आपसे कह रहा है विच इज ग्रेटर 1.01 रेज टू द पावर ये 6 10 6 मतलब 1 पे 6 0 और 10000 कौन बड़ा है. इसको हम लोग निकालने के लिए पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, दो तीन टर्म लिखते हैं उसी में ये बाहर मतलब इससे बड़ा निकल जाएगा. देख लेते हैं 1.01 रेज टू द पावर 1 2 3 4 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 रेज टू द पावर 6 zeros.
अब ये NC0 मतलब 1 raised to the power into 0.01 raised to the power 0 plus पहला वाला जो टर्म होगा यही हो जाएगा सम पॉजिटिव नंबर. This is, यहाँ पे देखो 10,001 तो यही हो गया प्लस सम पॉजिटिव नंबर. अब ये जो 10,001 है ये यहाँ पे 10,000 तो कौन बड़ा होगा. दिस इज ग्रेटर देन 10,000 तो दिस 1.01 सो दिस इंप्लाइज 1.01 रेज टू द पावर इज ग्रेटर देन 10,000. दो ही टर्म में इससे बड़ा आ गया, तीसरा टर्म और ऐड होगा, चौथा, ये सब तो और बढ़ते चला जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25. मतलब 6 रेज टू द पावर n माइनस 5n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25. तो इसको इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 है, ऐसा हम लोग को करना है, प्रूफ करना है. तो 25 से करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 रेज टू द पावर एन, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 लिख सकते हैं. ठीक है, सो 6n माइनस 5n को हम लोग क्या करना पड़ेगा, इट इज When divided by 25, मतलब 25 के plus of 1 का form होना चाहिए, है ना? 1 remainder है, तो 25 के multiple plus of 1 इस form में लिखना होगा हम लोग. So 6n minus 5n is 25 के plus 1 इस form में लिखना होगा. अब हमारे पास 1 plus a raised to the power n जो होता है, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं बेसिकली कि क्या चीज से डिवाइड करने बोल रहे हैं. 25 से कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे 1 प्लस 5 के फॉर्म में करेंगे तभी हम लोगों को सॉल्व होगा क्वेश्चन. अभी हम लोग इसको 1 प्लस a रेज टू द पावर n देखें, nc0 nc1a nc2a स्क्वायर nc3aq इस तरह से चलता जाएगा, NCN EN हो गया. ठीक है, अब हम लोग ये जो वैल्यूज हैं, लेट A इज इक्वल टू 5 कर देते. A 5 अगर हम लोग लिख लेंगे, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 रेज टू द पावर N निकालो, सो दिस इज NC0 NC1 into 5, NC2 into 5 square, NC3 5 cube, plus NCN 5N. यहां से लेके यहां तक ये सारे वैल्यूज में लास्ट तक सब में 5 square तो कम से कम है ही, मतलब सब में से 5 square को तुम कॉमन ले सकते हो. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NC0 हो गया 1,
NC1 हो गया N into 5 plus इन सब में से 25 common ले लो तो NC2 plus NC3 5 और ऐसा चलता जाएगा plus NCN 5 raised to the power N minus 2 क्योंकि हम लोग 5 square को common ले लिए तो this is equal to 1 plus 5 raised to the power N क्या है 6 raised to the power N is equal to 1 plus 5N plus 25 into some constant K. 5N को इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या होगा 6 to the power N minus of 5N is equal to 25K plus 1. यही हमें प्रूफ करना है. क्लियर है बच्चों? तो ये जो डिसीजन है कि हम 6 को कैसे ब्रेक करेंगे ये डिसीजन तुम लोग के प्रैक्टिस से आएगा बेसिकली. ठीक है, क्योंकि हमें तो दिख रहा है भाई कि ए 5 लेंगे तभी 5 के पावर्स आएंगे और उसमें से हम 25 को कॉमन लेंगे और इस तरह से शो कर पाएंगे. वो विजन थोड़ा सा तुम लोग एक दो क्वेश्चन करोगे तो फिर आ जाएगा तुम्हारे. ठीक है बच्चों? Yes, तो भाई ऐसा है, नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन तक तो बहुत इजी है. ये टेंथ क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 8.1 का तुम कर लेना. कर लोगे कि हम लोग क्लास में करें? हो जाएगा सर.